क्यों कर रहा टिम को ऐसा? उठना दो उसको। तो फ्रेंड्स आज ये है कुत्ता जो कि यहीं पर रह रहा है। मेरे भाई डेव ने तो इसे पूरा भात भी दे दिया है और चिप्स भी खिला दिया, अपने हिस्से के सारे चीजें रख दी है, इसीलिए ये यहीं पर रह रहा है। ये देखिए घर जा ही नहीं रहा। जब ये उमलेगा ना तो इसको थोड़ा नीचे का चकला बेल लेना। ये देखिए आटा उसको निकाल के थोड़ा सा अभी कुत्ते को पापा स्कूटी में बिठा के छोड़ देंगे। बूम और ये है मामा की चॉकलेट। आज हुआ क्या है कि पिछली बार की तरह जैसे एक कुत्ता रुका था वैसे एक दूसरा सा कालू यहाँ पे रुक चुका है, और अगर मैं इसको अपने पास रखता हूँ तो ये यहीं रुकने के लिए तैयार होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम किसी भी डॉगी को अपने पास रखते हैं तो क्या हो जाता है, बाघ आ जाता है। तो मैं नहीं चाहता, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे घर पर हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ इसको इसके घर पर पहुँचाने की। ये पता चल गया है कि किसका, और ये मेरे ही पास चल रहा है। अभी मैं दुकान पे गया था तो ये दुकान पे मेरे साथ ही गया और फिर वापस मेरे घर पे ही आ गया, क्योंकि इसको जो छोटा है डियो तो उसने क्या किया, इसको चिप्स दिए, कई प्रकार के कुरकुरे दिए, तो ये ब्रेड भी दिया, तो ये वहीं आज रहने लग गया। ये देखिए कालू जा रहा है आगे, ऐसा लग रहा है अब ये चले जाएगा, सीधे सीधे जा रहा है ये, तो इसको जाने देते हैं जब तक जाएगा ये। मुझे थोड़ा यहीं पर वेट करना पड़ेगा, मैं सोच रहा हूँ कि अपने आप ही निकल जाए, क्या पता चले जाइए अपने आप, लेकिन ये जा नहीं रहा शायद, देखते हैं, थोड़ा सा वेट करता हूँ। अगर ये नहीं जाता है तो इसको घर पे छोड़ना पड़ेगा, और अगर चले जाता है तो तब अपने आप चले जाएगा, देखते हैं। नहीं आगे तो खड़ा है लेकिन ये घर जाने के लिए तैयार नहीं, यहीं पे खड़ा है, तो मुझे लगता है कि मुझे इसके घर पे पहुंचाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो बाघ का भी खतरा है, और हो सकता है कहीं रात को बाघ इसे खा दे, तो इसको मैं पहुँचा ही देता हूँ घर पर, फिर मिलते हैं। ये देखो लौट के वापस आ गया यहीं, तो इसको घर पे पहुंचा ही देते। तो साथियों अभी हो चुकी है रात, मेरे कुत्ते को जहन का कुत्ता था उनके घर पे छोड़ दिया है। ये है उनका घर, चाचा जी हमारे, काफ़ी रात हो चुकी है और उनका कहना है कि इधर उधर जाता तो नहीं था लेकिन आज ही गया है। तो अब मैं भी निश्चिंत हो गया कि हमने कुत्ते को जो है घर पर छोड़ दिया है, बाघ के खतरे से भी निजात पा दी है। नहीं तो होता क्या है कि बाघ आता रहता है वहाँ पर, अगर कुत्ता वहाँ पर रहता तो अभी हम चलते हैं घर की ओर। और ये इस तरह मंद मंद गति से चांद भी आता हुआ अपनी लालिमा को आसमान में बिखेरता हुआ चांद